हेलो दोस्तों, क्या आप भी शतरंज खेलते हैं या नहीं? क्या आपने ये सोचा है कि शतरंज की इजाद किसने की? नहीं तो मैं बताता हूँ दोस्तों, शतरंज की इजाद 16वीं सदी के एक रियाजीदान ने की। उस वक्त के बादशाह को गेम खेलने का बहुत शौक था। उसने तमाम वजीरों को कहा, मैं पुराने गेम खेल कर थक चुका हूँ, कोई नई गेम लाओ, जो भी लाएगा उसको इनाम दूंगा। तो सीसा नाम का एक आदमी शतरंज ले आया। बादशाह को यह बहुत अच्छा लगा और कहा, इनाम मांगो। उसने कहा, शतरंज के 64 खाने हैं, आप एक खाने में एक चावल का दाना रखें और मुझे दे दें, और दूसरे दिन दो रखें और फिर ऐसे ही डबल करते जाएं, इसी तरह 64 खाने मुकम्मल कर दें। बादशाह ने उसके बेवकूफ हमारे मुतालबे पर हंस दिया और कहा, ठीक है। जब ये काम शुरू हुआ और 32 खाने पूर हुए तो कहीं से भी चावल ना मिले। बादशाह बहुत परेशान हुआ और यजीदानों को बुलवाया और कहा कि चावलों का हिसाब लगाओ। वो हिसाब ना लगा सके तो बादशाह ने सीसा को दरियाफ्त किया और उसका सर कलम कर दिया। दोस्तों, उसके 3000 साल बाद बिल गेट्स के हिसाब के मुताबिक शतरंज के 64 खानों को पूरा करने के लिए एक हिसाब 19 जीरो हो तो इतने चावल चाहिए, और इनको गिनने के लिए और शतरंज पर रखने के लिए 1.5 अरब साल चाहिए। दोस्तों, क्या आप भी शतरंज का हिसाब लगाना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें।